तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। मध्य प्रदेश के धार जिले के एक ग्राम इकलारा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि गांव की 71 वर्षीय वृद्ध महिला रतनबाई पर धारदार हथियार से हमला कर दोनों पैर और सिर अलग कर दिया है। महिला के पैर के कड़े और जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। महिला खेत पर काम कर रही थी और घटना के समय वह अकेली थी, तभी कोई अज्ञात बदमाश इस गंभीर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसीपी आदित्य प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। साथ ही एफएसएल टीम और क्राइम ब्रांच भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं पुलिस के अलावा अधिकारी पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुड़े हुए हैं। एसीपी आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि मामले की गंभीरता से पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का पुलिस के आला अधिकारी दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला ने पैरों में चांदी के कड़े पहने हुए थे। इसी दौरान महिला ने आरोपियों के साथ संघर्ष भी किया होगा, क्योंकि उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस घटना के बाद गांव में भय का माहौल है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले फरार हैं।